आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, एक प्रश्न है हमारे पास कि समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगों का आयाम 4:3 के अनुपात में है, यदि दोनों तरंगे व्यतिकरण करें तो महत्व व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे हमें इसमें ज्ञात करना है कि जो हमारे पास अधिकतम में जो न्यूनतम तीव्रताएं होंगी उनका अनुपात किसके बराबर होगा। हमें दिया हुआ क्या है, A1/A2 दिया हुआ है हमें 4/3। तो यहाँ पे जो दो तीव्रताएं होंगी हमारे पास I1 और I2, हमें पता है जो आई मैक्स और आई मिनिमम का जो अनुपात होता है हमारे पास वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है वर्गमूल I1 जमा में वर्गमूल I2 बटे में वर्गमूल I1 माइनस वर्गमूल I2 और सारे का वर्ग। अब हम इसमें वर्गमूल I2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, वर्गमूल I1 बटे में I2 माइनस 1। इसी प्रकार से यहाँ पे वर्गमूल I1 बटे में I2 माइनस 1 सारे का वर्ग ये हो जाएगा। अब यहाँ से हमने वर्गमूल I2 कॉमन लिया है और वो ऊपर से नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से A1/A2 कितना है 4/3। तो हमें पता है कि जो अब तीव्रता होती है वो अनुक्रमानुपाती होती है A के वर्ग के। तो यहाँ से जो दोनों का अनुपात आएगा I1/I2 बराबर हो जाएगा A1/A2 इसका जो अनुपात होगा वो तीव्रताओं का अनुपात होगा वो उसके वर्गमूल के बराबर होगा, मतलब वर्गमूल I1/I2 बराबर होगा A1/A2 के, जो किसके बराबर है 4/3 के। अब इस मान को हम इस समीकरण में रखते हैं तो यहाँ से कितना आएगा 4/3 - 1, तो ये आएगा 4/3 - 1 और नीचे आएगा 4/3 - 1 और सारे का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 4 1/3 बचेगा, नीचे बचेगा 7/3, 3 से 3 कट जाएगा सारे का वर्ग, तो यह आ जाएगा 1/7 का वर्ग हो जाएगा 49। तो इस प्रकार से जो अनुपात आएगा हमारे पास अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं के बीच में वो आएगा 1:49। तो ये हमारा इसका उत्तर है सही। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।